हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही खस्ता करारे कचौड़ी। जो कचौड़ी है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मसालेदार, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती है। फ्रेंड्स, इसे हमने आलू से बनाया है। ये आलू से बनने वाले गर्मा गर्म स्वादिष्ट से कचौड़ी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। मैदे की जगह आप चाहें तो गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ इसे मैदे से ही बनाया है। अब हम इसमें डाल लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन। थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक। 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कम ऑयल डालेंगे तो इसके डो में अच्छा मोयन नहीं हो पाएगा, तो मार्केट जैसा टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अच्छी तरह से इसे हाथ से मसलते हुए हमने मिला लिया है। आप देख सकते हैं मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है, ये देखिए। और अब इसे हमें गूँथ लेना है, तो गूँथने के लिए एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें। इसका जो डो बनेगा वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी इसे नहीं रखेंगे। तो इसके डो को हम बिल्कुल हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए तैयार कर लेते हैं। यहाँ डो तैयार हो चुका है, इसे अब हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। तब तक हमने यहाँ पे स्टफिंग के लिए तैयारी कर ली है। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पैन में 1 चम्मच ऑयल को गर्म किया हुआ है। अब हम इसमें डाल लेते हैं ये मसाला। तो ये है 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। इन सबको हमने दरदरा कूट लिया है और इसे अब हम ऑयल में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, इससे जो मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं। और यहाँ 1 इंच अदरक हमने ग्रेट करके डाल लिया है। 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो हमने मसाला यूज़ किया है उस मसाले से इस कचौड़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप इस तरह से मसालों को ज़रूर यूज़ करें। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, मिला लेते हैं। इन सबको हमने लो फ्लेम पे ही पकाया है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम इसमें डाल लेते हैं आलू। यहाँ हमने 3 आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं या तो इस तरह से आप इसे हाथ से तोड़ सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे टुकड़े में ना रहे। स्वाद अनुसार नमक हमने डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। चलिए अब इन सबको हम मिला लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। 1 मिनट के करीब इसे हम भूनेंगे मसालों के साथ ताकि मसालों का टेस्ट इसमें अच्छा आ जाए और आलू भी भूनने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अगर आलू के टुकड़े जो है वो थोड़े बड़े हैं तो आप इस तरह से मैश करते हुए इसे छोटे कर ले। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे टुकड़े हमें इसमें नहीं चाहिए। तो ये हमारा आलू बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। लास्ट में हम इसमें डाल लेते हैं धनिया का पत्ता और अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू का स्टफिंग बनकर के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा चटपटा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं। डो हमारा अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है, इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं इस तरह से। अब हम इसमें से छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और इसे अब हम बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटा लोई हमें नहीं लेना है और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। इसमें अब हम स्टफिंग डाल लेते हैं। तो करीब 1 चम्मच स्टफिंग हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसे अब हमें बंद कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं तब हम स्टफिंग डालते हैं, बस उसी तरह से इस स्टफिंग को भी इसमें डाल देना है। तो चलिए अब हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। तो
तो आप चाहे तो इसे बेल लें या तो फिर आप चाहे तो हाथ से ही इसे थोड़ा सा फैला लें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए इसे हमने नहीं बेलना है, हल्के हाथ से इसे बेलें ताकि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी निकले नहीं और स्टफिंग पूरी तरफ से अच्छी तरह से फैल भी गया है। ये देखिए तो ये हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसे ना फ्राई करें, धीमी धीमी आंच में इसे अलटते पलटते बिल्कुल अच्छा क्रिस्प होने तक पका लें। तो ये देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी खस्ता से हमारे ये कचौड़ियाँ बन के तैयार हुए हैं। आलू से बनने वाले जो कचौड़ी होता है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बाहर से आप जो कचौड़ियाँ लाते हैं उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो एक बार आप इन आलू से बने हुए कचौड़ियों को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ। चल दें, बाय बाय।